आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी है, बहुत ही हेल्दी भी है और ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये मूंग लिए हैं, साबुत मूंग लिया है मैंने, और इसे हम रात भर के लिए भिगो देंगे या फिर आप 6 से 7 घंटे के लिए भी इसे भिगो सकते हैं। अब मैंने इसे भिगो दिया था और इसके बाद ये कुछ इस तरह से फूल गए हैं, ये साइज में डबल हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंग लिया था और ये फूल कर 2 कटोरी हो चुका है। तो हम इसे सबसे पहले यहाँ पर बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैंने पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और अब हम इसमें ये मूंग भी डाल देंगे। हमें ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 5 से 7 मिनट के लिए ही बॉईल करना है और बस इसे अच्छे से हम बॉईल होने देंगे और इसे 2-3 मिनट में एक बार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। 2-3 मिनट हो चुके हैं और हम इसे 3-4 मिनट के लिए और अच्छे से उबालेंगे। तो अब 7 मिनट हो चुके हैं और ये लगभग अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे और अब इन्हें छान लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाए तो हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें ये स्प्राउट्स को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अभी 1 कटोरी ले रही हूँ और इसमें हम ये बाकी सभी सब्जियां डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, खीरा, प्याज और टमाटर लिया है। आप अपनी पसंद से और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं इसमें डाल दूंगी। आप यहाँ पर गाजर भी ले सकते हैं, मटर भी ले सकते हैं अपनी पसंद से, आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही हेल्दी हो जाएगा ये। तो हमने यहाँ पर ये सारी सब्जियां डाल दी है। अब इसमें हम कुछ मसाले भी डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक और अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा और अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया है, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है ये, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। और इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगता। तो बस यहाँ लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। धनिया से इसका फ्लेवर काफी अच्छा आ जाएगा। तो बस ये हमारा सर्व करने के लिए रेडी है ब्रेकफास्ट। आप इस तरह से इसे जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। आपको दिखने में ये बहुत टेस्टी लग रहा होगा, तो आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।